गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा था वेव ऑप्टिक्स, इसमें हम लोग हाइगेंस प्रिंसिपल तक पढ़ चुके थे। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या देखेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव, कि प्लेन वेव का क्या है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या है, स्नेल्स लॉ को डिराइव करना है। तो स्नेल्स लॉ को डिराइव करने के लिए पहले हमें एक फिगर बनाना पड़ेगा, जिसमें कि एक प्लेन वेव क्या है, इंसिडेंट हो रही है और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो दूसरे सेकंड मीडियम में जा रही है। तो यहाँ पे हमारे पास दो मीडियम होगा रिफ्रैक्शन और प्लेन वेव दिखाने के लिए। एक फर्स्ट मीडियम मान लिए हमने रेयर मीडियम है, मीडियम वन, और मीडियम टू जो हमारा क्या है, डेंसर मीडियम है। इस तरह हमारे पास ये दो मीडियम होंगे। पहले ये जो हमारा क्या है, रेयर मीडियम है, और ये नीचे इधर क्या है, डेंसर मीडियम है। इस तरह दो मीडियम हो गए। अब इसमें क्या है, हम प्लेन वेव कंसीडर करेंगे। तो प्लेन वेव फ्रंट के लिए क्या होगा, हम पैरेलल लाइट इंसिडेंट करेंगे। तो कम से कम किसी भी वेव फ्रंट को ड्रा करने के लिए कम से कम दो लाइट रेज चाहिए। तो क्या है, दो पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट किए। यह हमारा इंटरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। तो जब पैरेलल लाइट इंसिडेंट होगी तो उसका जो वेव फ्रंट होगा प्लेन वेव फ्रंट होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इंसिडेंट लाइट के लिए लार्ज नंबर ऑफ प्लेन वेव फ्रंट ड्रा कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ केवल एक वेव फ्रंट ड्रा करेंगे, प्लेन वेव फ्रंट, जिससे हमारे पास एक ट्रायंगल मिल जाए। तो हमारे पास ये ए बी, एक उन्होंने प्लेन वेव फ्रंट ड्रा किया जिसका नाम इंसिडेंट वेव फ्रंट रखा गया, चूँकि इंसिडेंट लाइट का वेव फ्रंट है। तो इस तरह ये इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट मिल गया हमें फर्स्ट मीडियम में। इसी तरह से सेकंड मीडियम में हमें एक रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट देखना होगा। तो जब ये लाइट इंसिडेंट हुआ है एट एन एंगल आई विथ नॉर्मल, यहाँ पर ये नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या होगा, इसके बाद लाइट रेज का रिफ्रैक्शन होगा। तो हमें पता लाइट वेन रेज गोज फ्रॉम रेयर टू, यहाँ क्या हो रहा है, डेंसर मीडियम में जा रही है, तो बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल। तो ये हम देख रहे हैं लाइट रे क्या है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर बन गया है। तो इस तरह हमें आई और आर दिख रहा है। तो इस तरह इसके बाद ये लाइट रे सेकेंड मीडियम में जाएगी, पैरेलल होगी। पैरेलल होगी तो इसका भी जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। तो यहाँ पर भी लार्ज नंबर ऑफ रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट बन सकता है, लेकिन हमें क्या है, एक कंसीडर किया हमने जिससे कि एक ट्रायंगल मिल जाए। तो ये हमारा एक सी प्लेन वेव फ्रंट है जो कि रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कहा जाएगा, जो कि सेकेंड मीडियम में है। तो इस तरह से हमारे पास दो वेव फ्रंट हो गए, एक इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट और एक रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो दो वेव फ्रंट मिल गए। अब अगर हम देखें तो फर्स्ट मीडियम में चूंकि रेयर है तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट क्या है, लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करेगी लाइट, और जब डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो इस तरह से यहाँ पे डिस्टेंस दिखाया गया है कि रेयर मीडियम में लार्जर डिस्टेंस बी सी और डेंसर मीडियम में स्मॉलर डिस्टेंस ए ई। अब बी सी की अगर हम लेंथ देखें तो वी वन इंटू टाउ हम कंसीडर कर ले रहे हैं, कि अगर फर्स्ट मीडियम में स्पीड वी वन है, सेकेंड मीडियम में स्पीड वी टू है, फर्स्ट मीडियम में स्पीड वी वन इंटू टाउ टाइम तक अगर लाइट चली तो वी वन टाउ, इसी तरह सेकेंड मीडियम में टाउ टाइम तक लाइट चली वी टू स्पीड से तो वी टू टाउ। तो ये हमारे इस तरह से बी सी और ए डिस्टेंस पता चल गया कितना कितना है। अब यहाँ से देखिए, अगर यह एंगल हमारा क्या है, नॉर्मल के साथ आई है, तो ये एंगल आई कैसे हो जाएगा, चूँकि ये एंगल आई है और ये पूरा क्या है 90 डिग्री बनेगा। तो ये जो एंगल फॉर्म होगा यहाँ पे, दिस इज आल्सो 90 माइनस आई, और ये नॉर्मल के साथ ही इंटरफेस 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो ये 90 माइनस आई, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, आई। तो इस तरह से हम एंगल आई दिखा सकते हैं कैसे यहाँ पे आई बना, सेम इसी तरह से यहाँ पे कैसे एंगल आर फॉर्म हुआ है जो कि हमें ट्रायंगल में यूज करना है। तो इस तरह से ये फिगर कंप्लीट हो गया, जिसमें लाइट रेज क्या है, रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है। इसके बाद अब हमें इसमें स्नेल्स लॉ प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी साइन आई की वैल्यू निकालेंगे। तो कितना होगा,
नोट करेंगे इन राइट ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ से अगर हम देखें साइन आई, तो साइन आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन आई परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस मतलब बी सी अपान ए सी हो जाएगा। साइन आई इक्वल टू बी सी अपान ए सी। फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल में हमने साइन आई की वैल्यू निकाल दिया। इसी तरह इन राइट एंगल ट्राइंगल जो दूसरा ट्राइंगल बन रहा है उसमें सेकेंड मीडियम में ए सी ई, ए सी ई में क्या हो जाएगा वैल्यू, राइट एंगल ट्राइंगल ए सी ई साइन आर इज इक्वल टू ए अपान ए सी। अब अगर हमें साइन आई और साइन आर की वैल्यू मिल गई फिगर से, तो हम क्या करेंगे दोनों का रेशियो निकालेंगे। देन क्या फाइंड कर लेंगे हम, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा बी सी अपान ए, बी सी अपान ए, क्योंकि ए सी ए सी कट जाएगा दोनों में, तो बी सी अपान ए। अब बी सी की वैल्यू अगर हम फिगर से देखें तो कितना है, बी सी की वैल्यू वी वन टाऊ और ए की वैल्यू वी टू टाऊ है, तो इसको हम यहाँ पे रख देंगे। ये कितना हो जाएगा यहाँ से, बी सी की वैल्यू वी वन टाऊ और ए की वैल्यू वी टू टाऊ, ये टाइम दोनों में सेम है तो कट जाएगा। साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू वी वन बाई वी टू। अब इसके बाद हमें पता है किसी मीडियम में जो स्पीड की लाइट होती है v इक्वल टू सी बाई एन होती है, वेर एन इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, तो इसका अब हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सेंस v इक्वल टू सी बाई एन, अगर v इक्वल टू सी बाई एन है तो यहाँ से हम देख सकते हैं v वन क्या हो जाएगा सी बाई एन वन, एंड जो v टू होगा वो क्या हो जाएगा सी बाई एन टू। तो यहाँ से वी वन वी टू की वैल्यू इसमें रख देंगे। अब हम देखेंगे साइन आई अपान साइन आर की वैल्यू क्या मिलेगी। इस तरह से हमारे पास हो जाएगा साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी वन के जगह पे हो जाएगा सी बाई एन वन डिवाइडेड बाई सी बाई एन टू। तो दोनों की क्या है वैल्यू रख दें, तो सी सी कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा एन टू बाई एन वन, यहाँ समय मिल जाएगा एन टू बाई एन वन, वेयर एन वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, एन टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। यहाँ से क्या आ जाएगा स्नेल अप्रूव हो गया, एन वन साइन आई इज इक्वल टू एन टू साइन आर, ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन हो गया। यही क्या है, दिस इज स्नेल्स लॉ, इसी को हम क्या कहते हैं स्नेल्स लॉ कहते हैं, दिस इज स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ हमारा प्रूव हो गया। अब अगर हमें प्रूव करना है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, जबकि वेवलेंथ चेंज होता, हमने देखा डिस्टेंस अलग अलग है, लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, फ्रीक्वेंसी लेकिन चेंज नहीं होता है। यहाँ से हम क्या है फ्रीक्वेंसी को दिखाएंगे कि कैसे चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें पता है कि लेमडा वन फर्स्ट मीडियम में डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट, अगर लेमडा वन मान लें तो वी वन टाउ सेंस डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन फर्स्ट एंड सेकेंड मीडियम डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन फर्स्ट एंड सेकेंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम मान लिया हमने लेमडा वन, तो लेमडा वन इक्वल टू वी वन इंटू टाउ, ये हो गया। इसी तरह लेमडा टू इक्वल टू क्या हो जाएगा वी टू इंटू टाउ, चूँकि वी टू स्पीड सेकेंड मीडियम में है। अब अगर हम क्या करें दोनों को डिवाइड कर दें, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाई लेमडा वन बाई लेमडा टू इक्वल टू वी वन बाई वी टू। यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई करें, यहाँ से हो जाएगा वी वन बाई लेमडा वन, वी वन बाई लेमडा वन इज इक्वल टू वी टू बाई लेमडा टू, ये रिजल्ट आया।
और हमें एक कॉन्सेप्ट पता है इसका, हम यूज करेंगे यहाँ पे सिंस c इक्वल टू न्यू लैम्डा, वेयर c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अगर किसी मीडियम में लाइट चल रही है तो c के जब क्या होगा, v हो जाएगा। तो अगर हम v लिखें तो v इक्वल टू न्यू लैम्डा। अगर v1 बाई लैम्डा 1 है तो उसके लिए म्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ v2 बाई लैम्डा 2 है तो न्यू 2 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से हम लिख दे रहे हैं कि v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू 1 इंटू लैम्डा 1। इसी तरह v2 इक्वल टू न्यू 2 इंटू लैम्डा 2। यहाँ पे v1 बाई लैम्डा 1 की वैल्यू चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं, देन v1 बाई लैम्डा 1 की जगह पर न्यू 1 हो जाएगा और v2 बाई लैम्डा 2 जब न्यू 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू न्यू, मतलब फ्रिक्वेंसी सेम है 10। यहाँ पे हम देख सकते हैं 10 फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज। ये फ्रीक्वेंसी है जो क्या है, चेंज नहीं होती है, बाकी फैक्टर्स चेंज होते रहते हैं। तो इस तरह मैथमेटिकली हमने प्रूव किया कि ये चेंज नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, तो ये भी एक फिगर वही केस है कि बस इसमें अंतर यही है कि लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। उस कंडीशन में अगर हमें स्नेल्स लॉ या पूरा प्रोसेस प्रूव करना है तो क्या करना होगा, तो सेम वही प्रोसेस है, साइन आई साइन आर फाइंड आउट करेंगे, रेशियो निकालेंगे, स्नेल्स लॉ प्रूव हो जाएगा। खाली यहाँ पर फिगर चेंज हो गया है क्योंकि लाइट का डायरेक्शन बदल गया, लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो इसके अकॉर्डिंग फिगर का सिचुएशन चेंज हो जाएगा। और हमें प्रूव करने के लिए साइन आई साइन आर सेम उसी तरह फाइंड आउट करना है और स्नेल्स लॉ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से हम इसी फिगर के अकॉर्डिंग भी स्नेल्स लॉ प्रूव कर सकते हैं, बस इसी फिगर के अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट करेंगे और आएगा वही वैल्यू। फिगर के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ डायग्राम थोड़ा सा चेंज है क्योंकि डेंसर से क्या है लाइट रेयर मीडियम में जा रही है। तो इस तरह से इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं, केवल मीडियम चेंज है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ये होमवर्क है जिस जो एबव थ्योरी पर बेस्ड है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं थ्योरी पर रिगार्डिंग। ओके, थैंक यू।